नमस्कार दोस्तों, पीएसपी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ड्यूटी कैलकुलेशन की, ड्यूटी कैलकुलेशन विद आईजीएसटी, ड्यूटी कैलकुलेशन विद एआईडीसी, ड्यूटी कैलकुलेशन विद हेल्थ सेस, ड्यूटी कैलकुलेशन विद सीबीडी। ये सारे की सारी कैलकुलेशंस हम आज सीखेंगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ड्यूटी कैलकुलेशन नहीं आती है तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप कस्टम ब्रोकर बन जाएंगे तो आपका काम क्या होगा, करेक्ट एचएस कोड फाइंड आउट करना, देन उस पे ड्यूटी का कौन सा परसेंटेज लगेगा वो फाइंड आउट करना, उसके बाद आपकी जो चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट में करेक्ट ड्यूटी शो हो रही है नहीं हो रही है, although that will be shown automatically by the system, but still you should know how to calculate duty, right? So we are going to start. देखिए, हम मान के चलते हैं कि आपकी CIF value हमेशा import में जो duty leviable होती है वो CIF value पे लगती है। CIF value मतलब cost, insurance and freight, इन तीनों को ऐड करने पे आपकी सीआईएफ वैल्यू मिलती है। हमने मान लिया कि सीआईएफ वैल्यू 100 रुपीज है। अब सीआईएफ वैल्यू 100 रुपीज है, इसका मतलब एसेसिबल वैल्यू कितनी हुई, 100 रुपीज, क्योंकि प्लस 1% जो पहले होता था अभी नहीं होता। लोडिंग चार्जेस जो हम पहले जोड़ते थे प्लस 1% अब नहीं जोड़ते हैं। अब देखिए केस वन क्या कहता है, वेयर प्रोडक्ट अट्रैक्ट्स आईजीएसटी बट नॉट सीबीडी। आईजीएसटी तो लगेगी, सीबीडी नहीं लगेगी, सिर्फ आईजीएसटी लगेगी। आईजीएसटी लगेगी का मतलब बीसीडी तो लगेगी ही, बट उसके साथ आईजीएसटी भी लगेगी। क्या कहता है, सपोज एसेसिबल वैल्यू इंक्लूडिंग लैंडिंग चार्जेस इज रुपीज 100, एक्चुअल लैंडिंग चार्जेस आपको अब ऐड करने होते हैं, वो एक्चुअल लैंडिंग चार्जेस के साथ आपने सीआईएफ वैल्यू, एसेसिबल वैल्यू मान ली 100 रुपीज, राइट। बीसीडी आपका हो गया 10%, आईजीएसटी हो गया 12%, एसडब्ल्यूएस हो गया आपका 10%, एसडब्ल्यूएस 10%, ये फिक्स होता है, ये बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर चार्ज किया जाता है सेस है। अब देखिए एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके ड्यूटी कैलकुलेशन का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया है तब जब तक आपको एसडब्ल्यूएस, ये एसडब्ल्यूएस जब तक उन्होंने नहीं लिख के दिया हो आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, राइट। अगर वो स्पेसिफिकली लिखता है आईजीएसटी, बीसीडी एंड एसडब्ल्यूएस, तब आपको एसडब्ल्यूएस कैलकुलेट करना है। अगर एसडब्ल्यूएस नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो आपको एसडब्ल्यूएस का कैलकुलेशन नहीं करना है, राइट। तो हमने सपोज कर लिया बीसीडी किसी प्रोडक्ट पे जिसकी वैल्यू 100 रुपीज है, ये 100 रुपीज, बीसीडी है 10%, आईजीएसटी 12%, एसडब्ल्यूएस है 10%, क्या करेंगे, एसेसिबल वैल्यू पे सबसे पहले बीसीडी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 10% है बीसीडी, किस वैल्यू का, एसेसिबल वैल्यू का, 100 रुपीज का 10% कितना आया, 10 रुपीज, राइट। तो हमारा हो गया बीसीडी रुपीज 10। नेक्स्ट एसडब्ल्यूएस, एसडब्ल्यूएस कैलकुलेट होता है किस पे, इस अमाउंट पे, बीसीडी के अमाउंट पे, इट मींस 10 रुपीज का 10%, 10 रुपीज का 10% कितना आया, 1 रुपीज, दिस वन 1 रुपीज, राइट। अब हम कैलकुलेट करेंगे आईजीएसटी, आईजीएसटी का फंडा है समझ लीजिए, बड़ा इजी है, जितनी भी ड्यूटीज लेवीएबल होती हैं इंक्लूडिंग योर सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सभी पे आपका आईजीएसटी कैलकुलेट होता है। कैसे होगा, यहां कौन कौन से आइटम्स हो गए आपके पास, 100 रुपीज ये वाले, 10 रुपीज ये वाले, 1 रुपीज ये, कितना हो गया, 100
₹111 ₹111 पे आपको कितना आईजीएसटी कैलकुलेट करना है 12% निकाल लीजिए। ₹111 का 12% आपने कैलकुलेट किया 13.32 रुपीज आ गया। जहां सिर्फ बीसीडी एसडब्ल्यूएस और आईजीएसटी आपको कैलकुलेट करना था वहां ये आपका फर्स्ट केस होता है। सेकंड, इसी एग्जांपल में हमारा बीसीडी था 10%, आईजीएसटी था 12%, सेम है देखिए, एसडब्ल्यूएस 10% है वो भी सेम है, कंपनसेशन सेस 10% इसमें बढ़ गया। कंपनसेशन सेस क्या होता है, जिस समय 2017 में आईजीएसटी का इंप्लीमेंटेशन होना था उस समय बहुत सारे जो स्टेट्स थे उनका कहना था कि हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे आईजीएसटी। क्यों नहीं करेंगे भाई? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है इसको इंप्लीमेंट करने में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी को कंसल्ट किया, देन ये डिसाइड हुआ कि जितना लॉस हो रहा है वो दैट विल बी मेक आउट। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल पे द डैमेजेस, जो भी उनका नुकसान होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी भरपाई करेगी। कैसे करेगी? एक नया सेस लगा दिया उन्होंने, कंपनसेशन सेस, इसका पूरा नाम है आईजीएसटी कंपनसेशन सेस। नोटिफिकेशन है 1/2017 / 2017 जीएसटी के साथ ही इंप्लीमेंट हुआ। कंपनसेशन सेज आ गया आपका 10%। उसी एग्जांपल में जब आप चलोगे बीसीडी, यहां आपने कैलकुलेट की थी 10 रुपीज, ये 10 रुपीज। एसडब्ल्यूएस यहां आपने कैलकुलेट किया था 1 रुपीज, ये 1 रुपीज। देन आईजीएसटी आपने कैलकुलेट किया था 13.32 रुपीज, ये 13.32 रुपीज। आपकी जो बेसिक वैल्यू आई थी जिस पे आपने आईजीएसटी का कैलकुलेशन किया था, क्या वैल्यू थी? 100 रुपीज एसेसेबल वैल्यू, 10 रुपीज बीसीडी, 1 रुपीज एसडब्ल्यूएस, 111 रुपीज टोटल हुआ था आपका। वो जो 111 रुपीज था उसी पे 10% और निकाल देंगे, ये क्या होगा आपका? कंपनसेशन सेस, राइट। जिस वैल्यू पे आपकी जीएसटी का कैलकुलेशन होता है उसी वैल्यू पे कंपनसेशन सेस का भी कैलकुलेशन होता है। इज इट क्लियर? देखिए कितना आया, 11.10 रुपीज। क्यों आया? क्योंकि वहां आपका था 111 रुपीज इंटू 10%, कितना हुआ, आ गया आपका अमाउंट। नेक्स्ट आपका केस क्या कहता है, वेयर प्रोडक्ट अट्रैक्ट एआईडीसी आईजीएसटी एज वेल एज कंपनसेशन सेस। देखिए एआईडीसी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस अभी अभी लगाए, नया नया है, ताजा ताजा है, 2021 में लेवी हुआ है। क्यों लेवी हुआ है? क्योंकि एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, फंड इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। कैसे कैलकुलेट होता है देखते हैं। बीसीडी कितना है? 10%। एआईडीसी 100%, क्या बात है। एसडब्ल्यूएस 10%, आईजीएसटी 12%, कंपनसेशन सेस 10%, बाकी सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो एज इट इज है, हमारे प्रीवियस एग्जांपल की तरह, बाकी सारी की सारी वैल्यू एज इट इज है। सिर्फ एआईडीसी, ये एआईडीसी कितना हो गया, 100%, राइट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बीसीडी, बीसीडी कहां कैलकुलेट होगी? 100 रुपीज पे। एसेसेबल वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। बीसीडी कैलकुलेट कर ली, बीसीडी कितनी आई? 10% से 100 रुपीज का 10%। एसेसेबल वैल्यू कितनी? 100 रुपीज, उसका 10% कितना आया? 10 रुपीज।
AIDC एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस एज पर नोटिफिकेशन 11/2021 नया नोटिफिकेशन है, देखिए अभी बजट में आया था। कैसे कैलकुलेट होगा? AIDC 100 रुपीज आएगा। क्यों आया 100 रुपीज? 100% ऑफ एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू क्या थी आपकी? 100 रुपीज। 100 रुपीज का 100% कितना हुआ? 100 रुपीज, राइट। BCD आ गई आपकी 10%, 10 रुपीज। AIDC आ गया आपका 100 रुपीज। SWS कैलकुलेट किया, कितना आया? 11 रुपीज। क्यों आया भाई 11 रुपीज? क्योंकि SWS जो कैलकुलेट हुआ है वो हुआ है BCD, यहां देखिए BCD प्लस AIDC, इस वैल्यू पे कैलकुलेट हुआ है। कितना हुआ? 11 रुपीज। क्या हुआ? 100 रुपीज ये वाले, ये 100 रुपीज AIDC वाले, और ये 10 रुपीज कौन से? BCD वाले। कितने हुए? कितने हुए? 110 रुपीज। उसका 10% कितना आया? 11 रुपीज। ये हो गया आपका SWS। IGST किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगी? अब मैंने बताया सीधा फंडा है, जितनी भी ड्यूटीज लगी हो उन सबके टोटल पे इंक्लूडिंग एसेसेबल वैल्यू, उन पे आपका IGST कैलकुलेट होता है। कौन कौन सी ड्यूटीज लगी है? देखिए 100 रुपीज एसेसेबल वैल्यू प्लस 10 रुपीज ये, 100 रुपीज ये और 11 रुपीज ये, तीनों का टोटल कर लिया, तीनों का टोटल करके उसका 12% निकाल दिया। कौन कौन से आइटम थे ये? एसेसेबल वैल्यू, ये वाली एसेसेबल वैल्यू प्लस ए मतलब BCD, BCD इसमें ऐड किया प्लस बी AIDC का अमाउंट 100 रुपीज, SWS 11 रुपीज, इन सब का टोटल कर लिया, टोटल करके उसका 12% निकाल दिया, वैल्यू आ गई आपकी 26.52 रुपीज। ये वैल्यू हो गई आपकी IGST की। जिस अमाउंट पे आपका IGST कैलकुलेट होता है सेम वैल्यू पे आपका कंपनसेशन सेस कैलकुलेट होता है। तो ये जो वैल्यू निकाली थी उसी का 10% निकाल दिया, आपका आ गया 22.21। ये आपका कंपनसेशन सेस विथ AIDC। एक सेस और लगता है, वह है हेल्थ सेस, चैप्टर 90 के आइटम्स पे लगता है, हेल्थ के सॉरी हेल्थ की फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए चैप्टर 90 के आइटम्स पे लगता है। कुछ पर्टिकुलर्स आइटम है, नोटिफिकेशन है उसका 08/2020। इसी एग्जांपल में हम देखते हैं एसेसेबल वैल्यू 100 रुपीज, BCD 10 रुपीज, 10% सॉरी, हेल्थ सेस 5%, ये 5% ही है, फिक्स है। AIDC के वेरियस रेट्स हैं, बट हेल्थ सेस जो है वो 5% से ही लगता है। SWS 10%, IGST 12%, कंपनसेशन सेस 10%। आगे देखते हैं BCD कितना आया? 10 रुपीज। क्यों आया? एसेसेबल वैल्यू 100 रुपीज का 10% कितना आया? 10 रुपीज, राइट। हेल्थ सेस इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन 8/2020 कस्टम्स कितना आया? 5 रुपीज। क्यों आया ये 5 रुपीज? क्यों आया? क्योंकि 5% आपका हेल्थ सेस है। किस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है ये? एसेसेबल वैल्यू पे। एसेसेबल वैल्यू कितनी है आपकी? 100 रुपीज। 100 रुपीज का 5% कितना आया? 5 रुपीज, ठीक है। आगे देखते हैं SWS। अब ये जो SWS कैलकुलेट होगा वो SWS कैलकुलेट होगा आपके, ये जो 5 रुपीज है आपके कौन से वाले? हेल्थ सेस वाले।
और ये बीसीडी 10 रुपीज, 10 + 5 = 15 रुपीज, 15 रुपीज का 10% 1.5 रुपीज, SWS 10% हो गया। आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे, आईजीएसटी किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगी? आईजीएसटी होगी आपकी एसेसेबल वैल्यू 100 रुपीज प्लस बीसीडी 10 रुपीज प्लस हेल्थ सेज 5 रुपीज प्लस SWS 1.5 रुपीज, टोटल का कितने परसेंट? 12% निकाल देंगे, आपकी वैल्यू जो आएगी 13.98 आएगी। 12% निकालेंगे, वैल्यू क्या आएगी? रुपीज 13.98, 14 रुपीज हो गया, राइट। कंपनसेशन सेस निकाल देंगे, जो जिस वैल्यू पे आईजीएसटी कैलकुलेट किया था उसी वैल्यू पे आप कंपनसेशन सेस कैलकुलेट कर देंगे, मतलब एसेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस हेल्थ सेस प्लस एसडब्ल्यूएस, ये तीनों के टोटल पे कंपनसेशन सेस 10% निकाल देंगे, क्या आ गया आपका 11.65, राइट। नेक्स्ट केस देखते हैं, वेयर प्रोडक्ट अट्रैक्ट बोथ सीबीडी एंड आईजीएसटी। देखिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आज भी सीबीडी चार्ज होता है, सीबीडी मतलब एक्साइज ड्यूटी। एक्साइजेबल प्रोडक्ट्स कुछ हैं अभी भी अवेलेबल, कौन से प्रोडक्ट हैं? लिकर है आपका, लिकर पे अभी सीबीडी लगती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन पे सीबीडी लगती है। टोबैको है उस पे सीबीडी लगती है। तो ऐसे आइटम्स जिन पे सीबीडी अभी भी लगती है उनके साथ आईजीएसटी कैसे कैलकुलेट होगी हम देखते हैं। वेयर प्रोडक्ट अट्रैक्ट बोथ सीबीडी एंड आईजीएसटी, हमारी एसेसेबल वैल्यू 100 रुपीज, बीसीडी 10%, सीबीडी 12%, आईजीएसटी 28%। वाई 28%? हमारे पहले तो हम 12% ले रहे थे, सो दैट कि आप ज्यादा अच्छे से समझ पाए। वहां अगर हम यहां भी 12% ले लेते, ये भी 12% था हमारा प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस एग्जांपल्स में, तो क्या होता, मिक्सअप हो जाता, आप समझ नहीं पाते, इसलिए हमने यहां कितना ले लिया 28%। एसडब्ल्यूएस आपका 10%। कैलकुलेट करते हैं, बीसीडी 10 रुपीज, इसमें तो आपको कोई समझाने की जरूरत है नहीं। सीबीडी, सीबीडी कैसे कैलकुलेट होती है? पहले भी उसी तरह से कैलकुलेट होती थी, आज भी उसी तरह से कैलकुलेट होती है। कैसे कैलकुलेट होती है? एसेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी। एसेसेबल वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज प्लस बीसीडी कितना है? 10 रुपीज। 110 रुपीज का 12% हमने निकाला, कितना आया आपका? 13.2, 13 रुपए 20 पैसे, 13 रुपीज 20 पैसे सीबीडी आ गया आपका। SWS में अब ट्विस्ट है, क्यों ट्विस्ट है? कि ये जो SWS कैलकुलेट होगा वो बीसीडी प्लस सीबीडी की वैल्यूज पे होगा। 10 रुपीज ये, 13.2 रुपीज ये, कितना हो गया? 23.2 रुपीज। 23.2 रुपीज पे आपका 10% हमने कैलकुलेट किया, 2 रुपीज 32 पैसे SWS आ गया। अब क्या बचा? अब आपको आईजीएसटी कैलकुलेट करनी है। आपको पता है जितनी भी वैल्यूज है सारी की सारी ऐड कर दो, उस पे जो परसेंटेज दिया है उससे आईजीएसटी कैलकुलेट कर दो। सारी वैल्यूज जो है हमने टोटल कर दिया और 28% से उस पे आईजीएसटी लगा दी, कितना आया? 35.145, राइट। इसमें कंपनसेशन सेस नहीं था। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस, यहां तक की कैलकुलेशन एज इट इज है। देखिए 10 रुपीज उसमें भी था, 13.2 रुपीज उसमें भी था, 2.32 रुपीज उसमें भी था, आईजीएसटी भी आपने इतना ही निकाला था। बचा क्या? कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन सेस मैंने बताया जिस वैल्यू पे आईजीएसटी का कैलकुलेशन उसी वैल्यू पे कंपनसेशन सेस का कैलकुलेशन। कौन सी वैल्यू थी वो?
SSMR वैल्यू प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, बट दिस इज नॉट इंक्लूसिव, आईजीएसटी के वैल्यू नहीं जोड़ी जाएगी, ये नहीं जोड़ी जाएगी। तो कंपनसेशन सेस निकालने के लिए एसएसएमएल वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस सीबीडी प्लस एसडब्ल्यूएस का 10% हमने निकाला, कितना आया 12.52%। दैट्स इट, हो गया आपका। अब दो चीजें और बचती हैं आपकी, दो ड्यूटीज और बचती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक है आपकी सेफगार्ड ड्यूटी, कुछ प्रोडक्ट्स पे सेफगार्ड ड्यूटीज लगती है, उस उन प्रोडक्ट्स पे जिन पे सेफगार्ड ड्यूटी का प्रोविजन है, उन प्रोडक्ट पे आपको अगर आईजीएसटी कैलकुलेट करनी है तो आईजीएसटी कैलकुलेट करने के लिए सेफगार्ड ड्यूटी की वैल्यू एसएसएमएल वैल्यू में जोड़ी जाएगी, राइट। उसी तरह से एंटी डंपिंग ड्यूटी की वैल्यू भी आईजीएसटी के कैलकुलेशन में जोड़ी जाती है, मतलब कि आप जितना सेफगार्ड ड्यूटी दोगे, जितनी एंटी डंपिंग ड्यूटी दोगे, उस पे जीएसटी की ड्यूटी भी दोगे, जिस तरह से आप बीसीडी पे जीएसटी देते हो उसी तरह से उन ड्यूटीज पे भी जीएसटी दोगे। तो मुझे लगता है कि ये इन सारे एग्जाम्पल से आपको कैलकुलेशन क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मुझे जो भी आपके कमेंट्स होंगे आई विल रिप्लाई सूटेबली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।